तो हमने सीखा 1 2 3 4 5 स्टाइल। अब 6 में इस तरह से या इस तरह से 6 7 ये देखिए इस तरह से। उसके बाद और यदि आप सी बजाना चाहते हैं आपको 12 और 13 फ्रेट पर आना पड़ेगा डी स्टाइल में। जैसा आप यहां डी पकड़ते हो वैसा आपको आना पड़ेगा यहां पर 12 और 13 में। ए बी सी है, ए बी सी जो चाहिए आपको यहां मिल चुका। 12 13 बोलने से काउंट करके आ सकते हैं। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 and 13। 12 में 2 फिंगर यानी कि फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर एंड 13 में सेकंड स्ट्रिंग पर आपका थर्ड फिंगर आ गया है। ये बन गया आपका सी। ओके, तो मैं सोचता हूं सारा चीज नहीं भी याद करेंगे यहां तक तो आप कम से कम जो लर्नर्स है इसको आप सीखिए। पहले आप यदि ऐसे ही खाली बजाना चाहते हैं फाइन आप सीख सकते हो, या फिर शुरू से ही ऐसा सीखना चाहते हैं पूरा आप बजाना चाहते हैं स्ट्रिंग आप यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा। अब हम इसका सीखते हैं सारेगामा जिसको बोलते हैं हम लोग सरगम। सारेगामा भी मैं भिन्न भिन्न प्रकार से सी मेजर का बजाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया आज सी मेजर में कोई भी शार्प यूज नहीं होता है और देख लीजिए कौन कौन सा 12 नोट्स आता है इसका सरगम में। तो सरगम बजाने के लिए हमको सी मेजर का चाहिए सी डी ई एफ जी ए बी सी फिर सी बी ए जी एफ ई डी सी। देखिए हम फिफ्थ से शुरू कर रहा हूं, फिफ्थ सा थर्ड फ्रेट, उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग ओपन रे ग सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग मा थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग ओपन प धा थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग ओपन नी सा फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। ये आपका सारेगामा बन गया। एक स्ट्रिंग से भी हम सारेगामा बजा सकते हैं। देखिए एक स्ट्रिंग से हम किस तरह से सारेगामा बजाएंगे आप थोड़ा सुनिएगा। उसके लिए हम यहां से शुरू करेंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग, अभी हम फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग को यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम यहां से सारेगामा बजाएंगे। वापस यहीं से हम चले जाएंगे। कॉर्ड में सारेगामा जब हम बजाएंगे कैसा
उसका साउंड आएगा, सुनिए। क्योंकि इसका सारे गमा बजाने के लिए आपको क्या क्या कॉर्ड्स चाहिए, क्या क्या नोट्स चाहिए था, सी डी ई एफ जी ए बी सी, बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें कोई शार्प नहीं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो लर्नर्स है आपको। तो खाली आप एक एक स्ट्रिंग से ही सारे गमा ना बजाएं, कॉर्ड्स के साथ भी आप सारे गमा बजा सकते हैं, हर कॉर्ड्स का, हर नोट्स का सरगम को आप कॉर्ड में उस तरह से बजा सकते हैं। तो आज सी का जब हम सीख रहे हैं तो सी का इस तरह से होगा। मैं बजा देना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात बोलना चाहता हूं। आप जो लर्नर्स हैं, एक ही वीडियो में आप सीमित ना रहें, और भी जो गिटार के जो टीचर्स हैं, जो गिटार सिखाते हैं, उस चैनल में जा करके भी आप उसको अच्छी रीति से समझें। और हाँ, आपका गिटार हमेशा ट्यून होना चाहिए। यदि हमारे चैनल को आप पहली बार विजिट किए हैं, देख रहे हैं, आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं हमारे टीचिंग में, आप जरूर हमें कमेंट्स करें। हमारी जो पहली जो वीडियो है, जो लेसन्स है, हमने जो सीरीज शुरू किया है गिटार का, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, उसमें भी जाएं और प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करें। मैं आशा करता हूं बहुत जल्द एक अच्छा गिटारिस्ट आप बनेंगे, अच्छा से आप उसको समझ पाएंगे, बजा पाएंगे। 12 नोट्स हमेशा याद रखना गिटार में, सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए शार्प, बी, उसके बाद वापस सी से शुरू हो जाएगा। तो छोटी सी ये जानकारी को हमेशा जरूर आप रखें और प्रैक्टिस करते चलें। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो में मैं आपको कुछ और नई और अच्छी बातों को लेकर के आऊंगा। इस गिटार में आगे हम क्या सीखेंगे, उसके लिए हमारे साथ आप बने रहें। थैंक यू वेरी मच।